हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार निषाद, माय यूट्यूब चैनल निषाद नंबर वन। मैं आज बात करूंगा डायनासोर के बारे में। डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए, कैसे विलुप्त हो गए, उसके बारे में मैं आज जानकारी लूँ। एक समय में डायनासोर का राज था, जहां वे चल रहे थे जहां हम अभी चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की कई प्रजातियां थी। ये छिपकली का एक बड़ा रूप था। ऐसा माना जाता है कि ये डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। इसमें कुछ ऐसे डायनासोर थे जो वो शाकाहारी थे, तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे, तो कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सफल जीव थे। आखिर क्या हुआ कि पृथ्वी से डायनासोर की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर पृथ्वी से 6.6 करोड़ वर्ष पहले ही पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने की वजह से डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी। और उल्का पिंड की चमक इतनी तेज थी कि इसकी चमक से सभी जीव जंतु अंधे हो गए थे। यह डायनासोर उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, केवल उसकी गर्मी को वो महसूस कर रहे थे। तब ये उल्का पिंड मैक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 10 हाइड्रोजन बम की आवाज के तरह आवाज होती है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि धरती से टकराते ही धरती के लाखों टन धातु आसमान में चले गए और आग के गोले के जैसे पृथ्वी पर बरसने लगे। और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वे जल के राख हो गए। उस दिन से डायनासोर की पूरी प्रजाति पृथ्वी से नष्ट हो गई। ऐसे ही न्यू जानकारी पाने के लिए निषाद नंबर वन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच माय वाचिंग वीडियो। निषाद नंबर वन, जय हिंद, जय भारत।